डीडी नेशनल नए भारत का नया दूरदर्शन। एक बात मैंने बचपन में सुनी थी और आप लोगों ने भी सुनी होगी कि हुनरमंद इंसान कभी बेकार नहीं रहता। वो जहां भी जाता है अपने हुनर के बल पे काम ढूंढ ही लेता है, और ये बात सही भी है। अगर आपके अंदर हुनर है तो आपको काम मिलने में परेशानी कभी नहीं होगी, और अगर आपने अपने हुनर में महारत हासिल कर ली है तो काम खुद ब खुद आपके पास आएगी। हुनर के इसी महत्व को दिखाने का प्रयास कर रहा है स्किल इंडिया मिशन। आने वाले 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज देश के युवाओं के पास न्यू स्किल सीखने की आजादी है, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की आजादी है, करियर में आगे बढ़ने की आजादी है, और ये सब संभव हो सका है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन स्किल इंडिया मिशन के कारण। लाल किले की प्राचीर से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को स्किल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनाने पर जोर दिया था, और आज वो सफल हो रहा है। इस सदी को भारत की सदी बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत के युवा पढ़ाई के साथ ही स्किल में भी उतने ही दक्ष हो। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और नए संस्थानों के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार नई नई चीजों का समावेश कर रहा है, जिससे देश में स्किल ट्रेनिंग को स्पीड, क्वालिटी और कैपेसिटी मिली है। उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा विशेष तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और निस्पर्ट जैसे इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं। मुद्रा योजना और पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठाकर युवा सूक्ष्म और लघु उद्यमी बन रहे हैं। Certainly one of the important outcomes that I would think is expected from a Chintan Shivir such as this is clearer outcomes. Entrepreneurship is often conflated with or spoken about in the context of evangelizing. We tend to think of more schemes like PMKVY and skilling to be more outcome driven, more quantitative outcome driven. I certainly think there's a need to look at our entire effort on entrepreneurship with much more clearer outcomes. समय के साथ चलने और चौथे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्किल्ड लोगों की पूर्ति के लिए IIT और IIM की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स की स्थापना की जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्किल्ड लोगों की पूर्ति के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स की शुरुआत भी की गई है। कुशल कार्यबल की क्षमता निर्माण के लिए सिंगापुर, UAE, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कौशल विकास पर काम करने वाले समकक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे हमें इंडिया को स्किल कैपिटल बनाने की जो बात की है, तो उसकी दिशा में हमें आगे बढ़ने के लिए हमें पहले लोगों को ये तैयार करना पड़ेगा जो स्किल के मानक उस देशों में जहाँ डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं उनके मानक के मुताबिक हमें तैयार करने पड़ेंगे। दूसरा, वहाँ के एम्प्लॉयर और यहाँ के एम्प्लॉयर से, यहाँ के सेंडर से बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि ताकि लोग लेजिटिमेट वे में वैधानिक तरीके से विदेशों में अपना स्किल के माध्यम से वहाँ पर प्रवेश पा सकें और दे कैन गेट सम लाइवलीहुड एटसेट्रा देयर। सो ये स्किल इंडिया का विजन है। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रही संकल्प योजना के तहत जिला स्तरीय स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाया जा रहा है। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप और DSDP के जरिए स्किल को निखारा जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन के तहत समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी, थर्ड जेंडर और प्रवासियों को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है, जिससे उन्हें आजीविका का साधन पाने की आजादी मिल रही है। इसी की मिसाल है नासिक की रहने वाली ट्रांसजेंडर दीपा। मेरा जो गांव है, तो मेरे गांव में मैं सबसे बेहतरीन ब्यूटीशियन हूं और मेरा सबसे ज्यादा
आईब्रोज का रेट में 50-60 रुपए हमारे पार्लर में लेते हैं, और हमारा पैकेज भी बहुत सारा 10,000 से 50,000 और 50,000 से 60-70,000 तक हमारा पैकेज है। उसमें हेयर स्पा है, मिनीक्योर पेडिक्योर है, फेशियल है, वैक्सिंग है, और ब्राइडल के 3 या 4 मेकअप होते हैं। तो हम 40,000 वो पैकेज के लिए लेते हैं। ये जो हमारा स्किल इंडिया है, इसने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया है, और एक हमें उम्मीद की किरण मिली है जन शिक्षण संस्था से, उसके लिए हम बहुत सारे आभारी हैं। स्किल इंडिया मिशन अपने आप में एक विशिष्ट मिशन है, जो देश भर में लोगों को स्किल्ड बनाकर उन्हें रोजगार परक बना रही है। ग्रामीण भारत में भी युवाओं को स्किल्ड कर रोजगार से जुड़ने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नौकरियों पर निर्भरता को कम कर उद्यमशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। MSDE अमृतकाल के युवा पीढ़ी को कौशल प्रशिक्षण से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हुनर के अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।